दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने से कौन कौन सी समस्या शुरू हो सकती है, लेकिन फिर भी ओमेगा 3 को अपने खाने में शामिल करने से पहले हमें इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करना है, इस बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। खासकर ओमेगा 3 बढ़े हुए पिंपल्स, जोड़ों का दर्द और दिमागी कमजोरी को दूर करने के साथ साथ शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और आंखों की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, और यहाँ तक कि यह वजन को मेंटेन रखने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल खाने पीने की सही जानकारी ना होने की वजह से हम में से अक्सर लोगों के शरीर में ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ओमेगा 3 होता क्या है और इसकी कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ओमेगा 3 के बारे में 6 बातें जानेंगे। ओमेगा 3 होता क्या है और ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है, ओमेगा 3 की कमी को किस किस खाने की चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खानों में से किस खाने में सबसे अच्छा ओमेगा 3 पाया जाता है, एक दिन में हमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए, क्या ज्यादा ओमेगा 3 लेने से कोई नुकसान भी हो सकता है। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि ओमेगा 3 होता क्या है और यह हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसमें 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इनमें भी जो फैट होता है वो भी 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। और इनमें जो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है यही शरीर में टूटने के बाद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में बदल जाता है। वैसे तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों ही हमारे शरीर और दिमाग को ठीक तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन शरीर में ये दोनों का ही बराबर मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर शरीर में 1 ओमेगा 6 हो तो उसके बदले 1 ओमेगा 3 भी होना चाहिए, नहीं तो 4 ओमेगा 6 के बदले कम से कम 1 ओमेगा 3 तो शरीर में होना ही चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि आज हमारा खान पान गलत होने की वजह से शरीर में ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लगभग 15 ओमेगा 6 के बदले 1 ओमेगा 3 भी मुश्किल से ही शरीर में मेंटेन हो पाता है। बड़े का गोश्त, चिकन, दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, तेल और सोया प्रोडक्ट में ओमेगा 6 की ज्यादा मात्रा होती है, जबकि अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड, सब्जा सीड और कुछ खास तरह की मछलियों में ओमेगा 3 की ज्यादा मात्रा होती है। तो इसे देखकर तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। दोस्तों, हम और आप में से ज्यादातर लोग ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं जिसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और जिसकी वजह से समय के साथ साथ जैसे जैसे ओमेगा 6 की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन और गर्मी पैदा करने लगता है, और तब इससे जोड़ों में दर्द, चेहरे पे एक्ने, पिंपल्स और ड्राई स्किन जैसी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि ओमेगा 3 वाली चीजों को भी अपने खाने में शामिल किया जाए, क्योंकि ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि ओमेगा 6 और दूसरी वजह से बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, हीट और गर्मी को शरीर से कम करने में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं ओमेगा 3 की कमी को किन किन खाने की चीजों के जरिए पूरा किया जा सकता है और इसका कब और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली ओमेगा 3 3 तरह का होता है, ALA, EPA और DHA। ALA टाइप का ओमेगा 3 वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि अखरोट, फ्लैक्स सीड, चिया सीड और सब्जा सीड जैसी चीजें, जबकि EPA और DHA टाइप का ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जैसे कि मैकरल, सैल्मन, टूना और हेरिंग जैसी मछलियों में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 की मात्रा होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे इन चीजों को अपने खाने में शामिल किया जाए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप हफ्ते में 2-3 बार रोस्टेड या फिर ग्रिल फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें फ्लैक्स सीड को रोस्ट करके पाउडर बनाकर 1-2 छोटा चम्मच किसी भी खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, या चिया सीड और सब्जा सीड में से किसी एक को पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसे डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 नहीं ले पाते हैं तो ओमेगा 3 की सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि फिश ऑयल के नाम से मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। हालांकि फिश ऑयल सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, जैसे कि फिश ऑयल कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे जरूरी कि किस कंपनी का फिश ऑयल सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिश ऑयल बनाने वाली जितनी भी कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड बेस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट का खिताब दिए बैठी है। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह फिश ऑयल के बारे में भी मैं अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में से किस खाने में ज्यादा बेहतर ओमेगा 3 पाया जाता है। दोस्तों, मछली और मछली के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 EPA और DHA टाइप का होता है, जो कि शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी इसे दिल, दिमाग, स्किन, बाल और आंखों की अच्छी सेहत के लिए डायरेक्ट यूज करती है, जबकि प्लांट बेस्ड यानी वेजिटेरियन फूड में ALA टाइप का ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद हमारी बॉडी उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाती, बल्कि पहले उसे EPA और DHA में कन्वर्ट करती है और उसके बाद ही वो हमारे शरीर में
में काम में आता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इस प्रोसेस में 8-10% ALA ओमेगा 3 ही EPA और DHA में कन्वर्ट हो पाता है और बाकी का एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसलिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मछली में पाया जाने वाला ओमेगा 3 ज्यादा बेहतर होता है। अब बात आती है कि एक दिन में कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए और क्या इसके ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, डेली कितना ओमेगा 3 लेना चाहिए वो किसी भी व्यक्ति के फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को EPA और DHA दोनों मिलाकर एक दिन में कम से कम 700-800 mg ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो 1000 mg तक ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसमें लगभग 500-600 EPA और 300-400 DHA की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपको EPA और DHA पर सिर्फ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खाने की चीजों के जरिए ओमेगा 3 की कमी को पूरा करते हैं तो उसमें आपको EPA और DHA की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि क्या ओमेगा 3 के ज्यादा इस्तेमाल से कोई नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो खाने की चीजों के जरिए लिया गया ओमेगा 3 का अक्सर हमारे शरीर में ओवरडोज नहीं होता, लेकिन जब सप्लीमेंट की बात आती है तो ज्यादा ओमेगा 3 के इस्तेमाल से नुकसान भी पहुंच सकता है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से 5000 mg तक ओमेगा 3 सेफली कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को EPA और DHA मिलाकर 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप 1000 mg से ज्यादा ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि शरीर में ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में दिक्कत और कहीं कट जाने या चोट आने पर खून जल्दी ना रुकने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। लेकिन ख्याल रखें कि ऐसा सिर्फ तब होता है जब कोई व्यक्ति जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 का सेवन करता है। और साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखें कि जिन लोगों को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर ही ओमेगा 3 सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।